आज हम सीखेंगे हमारा कार्यस्थल पर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अपने बॉस के प्रति अधीनता का जीवन हमें जीना है, इस बारे में आज हम सीखेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजों को हम इस अध्याय से सीख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं एक बार इस वचन के भाग को। पहला पत्रस 2:18-25 लिखा है, हे सेवकों, आदर पूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहो, केवल उन्हीं के नहीं जो भले और विनम्र हैं, परंतु उनके भी जो निर्दयी हैं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है, तो वह प्रशंसा का पात्र है। जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तब यदि तुम बड़े धीरे धैर्य से सहते हो, तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है? परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए भी गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए हो। तुम तो भेड़ की भांति भटक रहे थे, परंतु अब अपनी आत्मा के चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। पहले वाले भाग में भी हमने अधीनता के विषय में सीखा था कि हमें अपने जो नेता हैं उनके अधीन हमें अपने जीवन को जीना है। जो मानवीय शासन, जो प्रबंध जो हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, उनके अधीन हम जीना है, उनकी अधीनता में हमें रहना है। और आज हम सीख रहे हैं कि जहां पर हम काम करते हैं, जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे मालिक हैं, उनकी अधीनता में हमें अपना जीवन जीना है। जब इस भाग को हम पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा अलग अजीब लगता है। काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पत्रस जो है वो दास प्रथा का समर्थन कर रहा है। ऐसा लगता है कि अधीन रहने के लिए बोल रहा है। यहां पर जो सेवक जो शब्द आया है उसका मतलब है गुलाम। समझ रहे हैं आप लोग? गुलाम 18 में जब आप देखते हो हे सेवकों, तो ये शब्द जो है वो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया है और नौकरों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। एक अलग शब्द और है। तो उस समय कुछ लोग क्यों बोलते हैं इसको कि पत्रस दास प्रथा का, गुलामी का समर्थन करता है? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जब पत्रस ने इस पत्री को लिखा, उस समय लगभग 60 ईस्वी में पत्रस इस पत्री को लिखा, उस समय रोमन साम्राज्य वहां पर था और रोमन साम्राज्य में दास प्रथा हुआ करती थी। और पत्रस काफी जो जिनको लिख रहा है, जो इस पत्री को पढ़ने वाले हैं, वो ज्यादातर लोग जो कौन हैं, वो दास, वो गुलाम लोग हैं। कौन है? गुलाम लोग हैं। और आप लोग जानते हैं कि गुलामों के कुछ बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते। उस समय में रोमन साम्राज्य में लगभग 50% जो लोग थे वो दास थे, गुलाम थे। 50% लोग रोमन साम्राज्य में वहां पर गुलाम पाए जाते थे। तो पत्रस उन गुलाम लोगों के लिए लिख रहा है जो रोमन साम्राज्य में रहते हैं और जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है। इसलिए वो यहां पर दासों, सेवकों, गुलाम शब्द यहां पर इस्तेमाल करता है। उस समय उन दासों की जो परिस्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी परिस्थिति थी। उनके कोई अधिकार नहीं है, उनको दिन प्रतिदिन उनको मारा पीटा जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। काफी सारे दास ऐसे भी होते थे जिन जो पढ़े लिखे होते थे, जो अच्छे प्रबंधक थे, जो अच्छे लेवल पर काम कर रहे थे, जो एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। काफी सारे जो दास थे वो अच्छे पढ़े लिखे भी थे
और कुछ दास ऐसे भी थे जो कुछ समय के बाद में अपनी आजादी को खरीद सकते थे। वो काम कर रहे, कमा रहे, कुछ समय के बाद वो आजाद हो जाते थे। कुछ दास ऐसे भी थे और इनके जो मालिक थे इनके साथ में कई सारे ऐसे थे जो बहुत क्रूर थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग अच्छे भी थे जिनके साथ अच्छा व्यवहार वो करते थे। उनके साथ बहुत सारे जो दास थे, जो गुलाम थे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। मारना पीटना, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार उनके साथ में करना, इस प्रकार की परिस्थिति उस समय दासों की थी। और जो शुरुआती जो मसीही समाज था, शुरुआती जो कलीसिया था, उसका बहुत बड़ा भाग जो था वो दासों से बना था। यानी कि कलीसिया में ज्यादातर जो आने वाले मसीही लोग थे वो दास लोग थे, वो गुलाम लोग थे। उनको पत्रस इस भाग को लिखता है, इस पत्री को लिखता है। वो गरीब वर्ग से आने वाले बहुत सारे गुलाम लोग उस समय हुआ करते थे। तो इस सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पत्रस उन सभी दासों को सुझाव देता है कि तुमने मसीह में एक नया जीवन पाया है, तुम मसीह में एक नए जीवन पाए हुए लोग हो, एक नई पहचान पाए हुए लोग हो। अब तुम्हारा इसके नए जीवन के परिणाम स्वरूप तुम्हारा, तुम जो गुलाम हो, तुम्हारा तुम्हारे दासों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। और उसके लिए वो एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो है अधीनता। वो उनको अधीन रहने के लिए कहता है। क्या कहने के लिए कहता है? अधीन रहने के लिए। मैंने बोला था अधीनता अच्छा नहीं लगता आज के समय में। तो गुलामी आज तो नहीं है, दास प्रथा आज नहीं है, लेकिन आज भी हमें वो अधीनता सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन पौलुस दोनों भागों में, इनफैक्ट अगला एक और भाग आएगा जो कि शादीशुदा जीवन के विषय में पत्नियों के लिए उसने लिखा है, अधीनता के विषय में बात करता है। तो पत्रस में अपने मालिकों की अधीनता में चलने के लिए कहता है। प्रैक्टिकल तरीके से ये अधीनता जो है वो कैसे दिखाई देती है वो आज हम इस भाग से देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, वो अधीनता किस प्रकार की दिखाई देती है जिसके लिए पत्रस हमें यहाँ पर सिखा रहा है, जिसे हमें पालन करना है। 18 में लिखा हुआ है, हे सेवको आदर पूर्वक, कैसे आदर पूर्वक, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, आदर के साथ में क्या करना है, अपने स्वामियों के अधीन रहो। क्या रहो? अपने स्वामियों के अधीन रहे। पहली बात वो हमें ये सिखाता है, अपने स्वामियों के अधीन रहे। अब कैसे रहना है, इज्जत के साथ में, आदर के साथ में। जो मालिक के अधीन आप काम करते हैं उनका आदर करें, उनके अधीन रहे। और किस प्रकार के दासों के लिए वो बोलता है, देखिए पढ़िए आगे क्या लिखा है, अपने स्वामी के अधीन रहो, केवल उन्हीं के नहीं जो भले और विनम्र हैं, परंतु उनके भी जो निर्दयी हैं। उनके भी अधीन रहो जो भले और अच्छे हैं, सिर्फ उनके ही अधीन नहीं रहो बल्कि जो बुरे हैं, जो निर्दयी हैं, उनके भी तुम्हें अधीन रहना है। हमें अपने बॉस के अधीन रहना है, जब हमें अच्छा भी ना लगे तब भी हमें इनके अधीन रहने की जरूरत है। कई बार हम जहां पर काम करते हैं, कितने हैं नौकरी करने वाले लोग, लगभग सब लोग नौकरी करने वाले, काम करने वाले लोग हैं। प्रतिदिन हम काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें कुछ काम बोला जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, करने का मन नहीं करता, हमें अनुचित लगता है कि मेरा काम ये थोड़ी है, मैं थोड़ी ना करूंगा, लेकिन हमें बोला जाता है। हमें अच्छा नहीं लगे तब भी हमें उस काम को हमें करते रहना चाहिए। अधीनता का मतलब है हम अपने बॉस के अधीन रहे, उसकी आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा को मानना है क्योंकि वो हमारा बॉस है। और पिछले बार में हमने सीखा था कि जो हमारे ऊपर अधिकारी, जो बॉस जो ठहराए गए हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, वो परमेश्वर के दास है। इसलिए हमें आदर के साथ अपने आप को उनके अधीन करना है, उनकी आज्ञा को मानना है, उनकी बातों को मानना है, ताकि जब हमें अच्छा ना भी लगे तब भी। और हमारे साथ ऐसा होता है, हमें कई बार अच्छा नहीं लगता जो हमारे बॉस हमें बोलते, जो हिदायत हमें देते, जो आज्ञा हमें देते, नहीं अच्छा लगता।
सिर्फ भले और अच्छे दोस्त के नहीं, बल्कि जो अच्छे नहीं उनके भी अधीन रहने के लिए हमें वो कहता है। हमें हर जगह अच्छे व्यक्ति मिलेंगे नहीं, हमें से बहुतों के जो बॉस है वो बहुत अच्छे होंगे और आपको बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, बहुतों के बॉस ऐसे होंगे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे हमें से बहुतों के जो मालिक है, जो बॉस है, जिनके अधीनता में हम काम करते हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, उनका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता होगा, उनका बोलना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। हमें हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, उससे प्रेम करना तो आसान है कि नहीं? लेकिन जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छा बर्ताव नहीं करना, उसके साथ में प्रेम करना थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। लेकिन हमारा आचरण तो ऐसा ही है ना, कि जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हीं से प्रेम करते हैं, है कि नहीं? जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात, जैसे दुनिया के लोग करते हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक अलग जीवन जीने की बुलाहट दी है, इस संसार से, इस समाज से जिसके अंदर हम रहते हैं, इसमें हमें एक अलग प्रकार का, एक अलग, एक अच्छा, एक भला, एक सुंदर जीवन जीने की बुलाहट उसने हमें दी है। हम जो हमसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते, जो अच्छे लगते हैं उनसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु ने इस वचन में कहा है, मत्ती 5 उसका 40 से 48 हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? चुंगी लेने वाले लोग भी क्या ऐसा नहीं करते? उस समय में चुंगी लोग लेने वाले लोगों को बहुत घृणित समझा जाता था कि तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? अन्य जाति लोग भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले लोग, वो भी तो ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम केवल अपने ही भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? यदि तुम अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हो, अभिवादन करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कोई बड़ा काम नहीं है। क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अगर हम भी वैसा ही कर रहे हैं जैसे अन्य जाति कर रहे हैं, तो हमें और उनमें क्या भिन्नता है? अगर हम भी वैसा ही कर रहे हैं जैसे अन्य जाति करते हैं, महसूल लेने वाले करते हैं, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार भी उनके जैसा है, तो फिर हमारे जीवन में एक अलग बात कहां हुई? हम एक अलग जीवन नहीं जी रहे, हम वैसा ही जी रहे हैं जैसे वो बाहर वाले जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक अलग प्रकार का, एक भला, एक सुंदर, एक अच्छा जीवन जीने के लिए बुलाया है। उसकी गवाही अपने चरित्र, अपने व्यवहार, अपने जीवन के द्वारा हम दें, इसलिए उसने हमें बुलाया है। उसका वचन कहता है, हमसे भी प्रेम करें जो हमसे प्रेम नहीं करते, जो हमसे नफरत करते, जो हमें गालियां देते हैं, हम उनसे भी प्रेम करें। ये एक अलग गांव का जीवन है। आपके बॉस शायद आपको अच्छे नहीं लगते, शायद वो आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी वह प्रभु का आज्ञा है कि हम उनके अधीन रहें, हम उनका आदर करें, हम उनकी इज्जत करें, और वो जो काम बोलते हैं हम वो काम करें। हालेलुया। वो नहीं प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। हम इस दृष्टिकोण से हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है और उनसे प्रेम करना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है। हमारा चरित्र जो है, हमारा व्यवहार जो है, बाकियों से अलग होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बॉस नहीं प्रेम करते, आप कीजिए जो काम आपको बोलते अच्छे से कीजिए। कई बार हम असहमत होते हैं अपने बॉस के साथ में, लेकिन फिर भी हमें उसका अनुसरण करना है कुछ चीजों में। जैसे कि मैं एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से कोई दूसरा काम करवाया जा रहा है, हम पहली बार में ही विरोध करते हैं, पहली बार में ही हम बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं,
मेरा काम नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं। लेकिन कई बार हमें एक नम्रता को अपने अंदर बना के रखना चाहिए, कोई बात नहीं। कभी कभी बोला जाता है कीजिए, ये एक अच्छे चरित्र का प्रकटीकरण है, आप एक अच्छे व्यवहार की गवाही, अपने प्रभु की गवाही आप वहां पर दे रहे हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा अन्याय होता है वहां पर, आप जहां पर आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको लगता है कि अब सही नहीं है, अब मुझे उठाना चाहिए, तो अपना नुकसान बार बार ना होने दे। जहां पर आपको बोलने की जरूरत है सही मायने में, वहां पे बोलिए, लेकिन नम्रता के साथ और एक सही हृदय के साथ, एक सही दिल के साथ, विरोध के साथ में नहीं, क्रोध की भावना के साथ में नहीं, और बदले की भावना के साथ में नहीं। जहां पे लगता है कि आप मुझे यहां पर थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक सही परिवर्तन को लाना चाहते हैं, एक सही परिवर्तन को वहां पर देखना चाहते हैं, तो बोलिए जब आपको बोलने का मौका मिले, और जहां पर आप सही हो वहां पर बोलिए। अपने साथ अन्याय बहुत ज्यादा न होने दे, अपना नाजायज फायदा किसी को न उठाने दे, लेकिन एक हद तक हम अपनी नम्रता को बनाए रखें। जब आपको लगता है कि नहीं ये कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, कई जगह पर महिलाओं के साथ में गलत काम करा जाता है, उनको प्रमोशन का लालच देके या किसी तरीके से बहुत सारे कैसे ऐसे आते हैं, तो ऐसे मामले में जब दबाव डाला जाता है या आपको झूठ बोलने के लिए उत्साहित किया जाता है, आपका बॉस आपको बोलता है कि आप झूठ बोलो, मैं आप जाके उसके सामने ऐसे ऐसे बोलना, और वो बात जो आपको बोलने के लिए कह रहे हैं वो झूठ है, तो आपको उसका विरोध करना जरूरी है, क्योंकि ये भी प्रभु का चरित्र है। हम झूठ को बढ़ावा नहीं देते, हम सच्चे परमेश्वर के लोग, झूठ नहीं बोलना। कई बार आपको लगेगा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे यहां से निकल लेना चाहिए, तो कई मायने में कई कई बार जब आपको लगता है कि बार बार आपसे गलत काम करवाया जा रहा है या बार बार आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको वहां से निकलना भी जरूरी हो जाता है। तो वहां से निकल सकते हैं, ऐसे नाजायज फायदा ना होता है। एक बहन एक एनजीओ में काम करती थी, बहुत अच्छे से काम करती थी और काफी लंबे समय से वो वहां पर काम कर रही थी। तो उससे मैंने एक बार पूछा कि वहां से आपने काम क्यों छोड़ा, तो उस बहन ने बताया कि मैं जिस संस्था में काम करती थी वो मेरे नाम से डबल सैलरी लेते थे और मेरे हाथ से गलत चेक्स पे साइन करवाते थे, इसलिए मैंने वहां से काम छोड़ दिया। ऐसे केसेस में तो हमें आवाज उठाने की जरूरत होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वहां से सही बात के लिए खड़ा होना है, सही बात के लिए बोलना है, लेकिन विरोध के साथ और क्रोध के साथ में नहीं, नम्रता के साथ में और एक सही हृदय के साथ। कई बार हमारी आलोचना होती है, कई बार गलत बातें हमें बोल दी जाती हैं, हमें भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो बॉस हमारे ऐसे कई बार चिल्ला देते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो ऐसे ही बैठे कंप्यूटर पे आराम से, इनको कुछ ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी दबाव होता है, वो कई बार बोल देते हैं, तो हमें जब वो आलोचना होती है तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए और लोगों के बीच में हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए, दिल में गड़बड़ाहट या नाराजगी हमें उनके प्रति नहीं रखनी चाहिए, ये सही मायने में अधीनता। और कई बार आपको आप वहां पे काम करें वो आपके बॉस हैं, अधीनता का मतलब ये है कि आप अच्छे से काम करेंगे, कुछ भी बात होती है तो उस उन बातों को लेकर हम दूसरों के सामने चुगली कभी नहीं करनी चाहिए, हम चुगली ना करें। जैसे ही लंच टाइम हुआ, अब सब लोग जाएंगे एक साथ बैठेंगे, लंच के साथ साथ में चुगली भी खाएंगे, उसने ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ये तो बड़ा खड़ूस है, 10-15 एक दर्जन गालियां भी होंगी साथ में। कभी भी ऐसा मत कीजिए, वो आपके ऊपर ठहराए गए हैं। पतरस कह रहा है कि आदर के साथ आदर पूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहे, उनकी इज्जत कीजिए। और जब हम इस प्रकार अपने कार्यस्थल पर अपने जीवन को बना के रखते हैं ना, सच में परमेश्वर उसका इनाम हमें देता है, सच में परमेश्वर हमें इनाम देता है।
सही हृदय के साथ, नम्रता के साथ अच्छे से हम जब कार्य करते हैं उसका इनाम प्रभु हमें देते हैं। जब आपको फीडबैक दिया जाता है किसी चीज को लेकर, आपके काम को लेकर, जब आपको बताया आपका बॉस आपको बोल रहा है कि ये आपने सही किया, ये गलत किया, तो सच में जो बातें आपको स्वीकार करने को कीजिए, सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरा बॉस जो मुझे बोलेगा उसमें जो जो बातें होंगी मुझे पता है कि ये कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो जो बातें मैंने गलती की है मुझे बोलना चाहिए सच में कि आगे से मैं इस क्षेत्र में अच्छे से काम करूंगा, इस कार्य को मैं इन कमियों को दोबारा मैं नहीं आने दूंगा। तो जब आपको फीडबैक दिया जाता है, जब आपके बॉस आपको बोलते हैं, नम्रता पूर्वक आप उनको ग्रहण कीजिए। इसमें आपका हम सबका फायदा है, उससे आपका फायदा ये भी कि आप और भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, और भी उन्नति कर पाओगे। अगर आपकी कोई गलती, आपकी गलती कोई आपको नहीं बताएगा तो आप उसको सुधार कर भी नहीं पाएंगे। जब गलती बताते सुनिए ध्यान से और उन पर गौर कीजिए और पूरा आश्वासन दीजिए कि इन चीजों के ऊपर गौर किया जाएगा और काम किया जाएगा और करिए। अधीनता में हमें अपने बॉस की अधीनता में रहना है। और क्या करना है हमें, हमें अपना काम जो है वो अच्छे से करना है। जो काम हमें दिया गया है, जो भी काम हम करते हैं, बहनें ऑफिस में काम करती हैं, भाई लोग ऑफिस में काम करते हैं, कई बहनें घरों में एक हेल्पर के तौर पे काम करती हैं, हमारे भाई ऑफिसों में अलग अलग तरीके के काम करते हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, कई तरह अलग अलग तरीके के हम काम करते हैं। जो काम हमें दिया गया है वो काम हमें अच्छे से करना है। उस काम के प्रति हमारी जवाबदेही है, उस काम को हमें अच्छे से अंजाम देना, बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत से उस काम को कीजिए। हालेलुया। कुलुसियों 3:23-24 पढ़िए। हालेलुया। जो काम हमें मिला है हम उस अपने उस कार्य को अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। ये भी हमारे परिवर्तित जीवन का एक भाग है। हालेलुया। जो काम हमें दिया गया है उस काम को हम पूरा मन लगा के, हम दिल लगाकर उस काम को करें, काम चोरी ना करें कभी भी, है ना। देखिए क्या लिखा है, दोबारा पढ़ता हूं। कुलुसियों 3:23-24 में इस प्रकार लिखा है, जो काम जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। किसका समझकर? प्रभु का। और सच में हमें जो काम मिले हैं, जो काम हम करते हैं, वो तो सच में प्रभु की ओर से दिया हुआ एक वरदान है, हमारे लिए दिया हुआ एक गिफ्ट है। जो काम हमें दिया है, जो काम हम करते हैं, वो सच में परमेश्वर की ओर से दी हुई आशीष है। इस नजरिए के साथ में, इस दृष्टिकोण के साथ में हमें अपने काम को करना है। मेहनत से करो जो काम हम करते हैं। मैं ये सोच के करूंगा कि ये काम मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। कभी काम को लेकर कुड़कुड़ाइए मत, कभी कुड़कुड़ाइए मत, कभी भी काम को लेकर रोइए मत। जो काम आपको मिला है वो सच में एक प्रभु का दिया हुआ तोहफा है आपके लिए। उस काम की इज्जत कीजिए और उस काम को अच्छे से कीजिए। जब आप कहीं पर काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, सच में आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मिराश पाओगे, मिराश पाओगे, प्रतिफल पाओगे। जब हम अच्छे से जो काम हमें दिया गया है हम इस दृष्टिकोण के साथ में करते हैं कि ये काम मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसे ईमानदारी से करूंगा, तन मन से करूंगा। वचन कहता है कि प्रभु तुम्हें प्रतिफल, तुम्हें मिराश देगा, उसका इनाम है प्रभु के पास। और हम में से बहुतों ने इस चीज को महसूस किया होगा अपने लाइफ में। आपने कहां से शुरू किया और आप कहां पहुंच गए, या कि आपने ईमानदारी से काम किया प्रभु के अनुग्रह में रहकर इसलिए आप देख पाए। और जो नहीं देख पाए अपने काम को अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, काम को लेकर कुड़कुड़ाइए मत। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं बड़ी बड़ी होती हैं, हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं, हम अपने जो वर्तमान में जो काम हमें मिला हुआ है उसको अच्छे से करने की बजाय हम हमारी सोच विचार के हिसाब से हम दौड़ने लगते हैं।
कि मैं इस काम के लायक नहीं, मुझे तो वो काम करना है, वो काम भी मिलेगा अगर आप ये काम जो आपको दिया गया है अच्छे से करेंगे। तो अधीनता का मतलब है आपको जो दिया हुआ काम है वो आप ईमानदारी से, सच्चाई से, आप अच्छे से करेंगे। और याद रखिए प्रभु ने इसे आपको दिया है, इसलिए काम की इज्जत कीजिए, अपने काम से प्रेम कीजिए और पूरी मेहनत कीजिए और प्रभु इसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। कितना हम अपने काम, जितने भी हम लोग काम करते हैं, हम अपने काम को कितना ईमानदारी से करते हैं, पूछिए। हम अलग की वे लोग हैं, एक अलग प्रकार का जीवन, एक गवाही देने वाला जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। क्या हम अपने कार्यस्थल पर एक गवाह हैं? हम एक अपने कार्यस्थल पर गवाह हैं? हम अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं? हम अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं? फिर आप वहां पर बाइबल का मकान कर रहे हैं, आप सच में प्रभावशाली नहीं होंगे, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्द से ज्यादा आपका चरित्र, आपका व्यवहार सबसे ज्यादा चिल्लाता है। आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार की आवाज ऊंची है, समझ रहे? तो जहां पर आप कार्य, जहां पर काम करते हैं अच्छे से कीजिए और वहां पर एक गवाह बनिए अच्छे तरीके से काम करने के द्वारा। क्या हम वहां पर गवाह, क्या हम अपने काम को अच्छे से करते हैं? कोई 9 घंटे की ड्यूटी, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है, आप उन 12 घंटों में किस तरीके से काम करते हैं? अपने आप से पूछिए कितने घंटे हम वहां पर काम चोरी करते हैं। काम करने की बजाय हम अपना फोन लेके फोन में लगे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार। काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है। बार बार हमें डांट खानी पड़ती है, अब डांट खा के धीरे से सहोगे इसका कोई प्रतिफल नहीं है, आगे यही लिखा हुआ है। आपसे पूछे मैं अपना काम कैसे कर रहा हूं? देखिए आगे क्या लिखा है, अपना कार्य अच्छे से कीजिए। 19 वचन पढ़िए, यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए न्याय को धीरे से सहता है तो वह प्रशंसा का पात्र है। जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है तब यदि तुम धैर्य से सहते हो तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है? परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो तो इसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप अच्छे से काम कर रहे हो, बढ़िया से काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी कई बार आप अन्याय का सामना धीरज के साथ में करते हो, ये परमेश्वर के सम्मुख प्रशंसनीय बात है, परमेश्वर के सम्मुख एक तारीफ की बात है, क्योंकि हम प्रभु के वचन को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब अपने काम पे काम चोरी करते हैं, काम अच्छे से नहीं करते, फिर हमारा बॉस आके हमारे ऊपर चिल्लाता है, डांटता है और फिर हम उसे धीरज से सह लेते हैं, उसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है, उसका कोई निराश नहीं है, उसका कोई प्रतिफल नहीं। हमें अपना काम अच्छे से करना है। कई बार हम अच्छा काम करके भी शाबाशी नहीं पाते, ये सही सच बात है, कितने लोग मानते हैं हम अच्छे से काम करते हैं लेकिन उसका श्रेय हमें नहीं मिलता, हमें शाबाशी नहीं मिलती। और कई जगह पे तो हमने काम हमने किया लेकिन शाबाशी किसी और को मिल रही, ऐसा भी होता है। अब होता है कि नहीं होता है? ऐसा भी होता है, सराहना जो शाबाशी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन हम इस बात को याद रखें कि प्रभु की तरफ से हमें प्रतिफल मिलेगा, वो इस संसार के लोग हमें दे या ना दे, लेकिन मेरा प्रभु देख रहा है उसको, जो काम मैंने अच्छे से किया है। हमारे अंदर कामना होती है कि इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। उस समय निराश होने की जरूरत नहीं है, उस समय टूटने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। और वो सही समय पर आपको उसका प्रतिफल देगा। लेकिन जब हम गलत काम करके, जब हम अच्छे से काम नहीं करते तब धीरज से सहते, ये परमेश्वर के सम्मुख घृणित है, ये नफरत की योग्य बात है परमेश्वर के सामने। अच्छे से अपने काम को करना है। क्यों हमें अच्छे से काम करना है और आगे हम सीखते हैं, पढ़िए आगे। अच्छे से काम करना है क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के चरित्र का अनुसरण करने के लिए चुना है।
हमें प्रभु यीशु के चरित्र का अनुसरण करना है। हालेलुया, हमें अपने प्रभु के चरित्र का अनुसरण करना है। इसलिए हम अपने कार्यस्थल पर हम अच्छे से कार्य करें, प्रभु के चरित्र को हम अपने जीवन के द्वारा वहां पर प्रदर्शित करें। यही आपके कार्यस्थल पर आपके लिए एक गवाही बनेगा। हालेलुया, 21 में देखिए, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया, प्रभु ने हमें उसके परमेश्वर पिता ने हमें यीशु मसीह के चरित्र का अनुसरण करने के लिए हमें चुना है। हम अपने कार्यस्थल पर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का अनुसरण करें। उसका चरित्र कैसा है आगे पढ़ते हैं। उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। हमारे लिए जो कार्य उसे संसार के अंदर दिया गया था, उसने ईमानदारी के साथ, अपने पिता परमेश्वर के प्रति अधीनता के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ उसने उस कार्य को पूरा किया। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के इस चरित्र का अनुसरण करना है अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि हमें प्रभु के चरित्र का अनुसरण करने के लिए चुना गया है। हालेलुया, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हमारे पापी जीवन प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर खत्म कर दिया है। अब हम उन पापों के लिए मर चुके हैं, हमारे पापों समेत उसने क्रूस पर उठाकर खत्म कर दिया है। अब हमने एक नया जीवन पाया है, अब हमें उस नए जीवन को जीना है, उस नए जीवन के अनुसार अपने जीवन को हमें जीने की जरूरत है। हालेलुया, ये हमारे प्रभु का चरित्र है। जिन पापों को प्रभु ने खत्म कर दिया, अब मैं उन पापों को दोबारा नहीं करूंगा, चाहे मैं समाज के बीच में हूं, चाहे मैं अपने कार्यस्थल पर हूं, चाहे मैं अपने घर में हूं, चाहे मैं कहीं गुप्त स्थान में हूं। हालेलुया, तुम भेड़ों की नाती भटक रहे थे, परंतु अब अपनी आत्मा की चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया, ऐसा जीवन हम जिए, इस रीति से हम अपने कार्यस्थल पर अपने जीवन को जिए, जिसे देख कर लोग ये कह सके ये व्यक्ति अच्छे से ईमानदारी से काम करता है, और आपका ईमानदारी से किया हुआ काम आपके लिए गवाही बन सकता है। आपने एक 203 प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आगमन के लगभग 203 साल बाद 203 एडी में नॉर्थ अफ्रीका में एक जगह कार्थेज करके, वहां पर एक रोमी फैमिली रहती थी, बहुत रिच, बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी परिवार था वो। और उस परिवार का जो मालिक था उसकी बेटी थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। उसकी बेटी के घर में जो कि रोमी थी, कौन थी? रोमी थी, वो लड़की रोमी थी, 20 साल 23 साल की थी, उसका एक बेटा था। उसके घर में, उस रोमी लड़की के घर में जो अफ्रीकन गुलाम थे वो काम करते थे। कौन काम करते थे? अफ्रीकन गुलाम उनके घर में काम करते थे, और उन अफ्रीकन गुलामों का व्यवहार उस रोमी लड़की के प्रति ऐसा था कि उन गुलामों के द्वारा उस लड़की का जीवन भी बदल गया, क्योंकि ये जो गुलाम जो थे ये मसीही गुलाम थे, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले, उसके चरित्र का अनुसरण करने वाले गुलाम थे। ये उस लड़की के घर में जब काम करते थे, उस गुलाम का नाम था फेलिसिटी, और लड़की का नाम जिसके घर में वो काम करते थे उसका नाम था परपेचुआ करके, स्टोरी आप देख सकते हैं, परपेचुआ नाम था उस लड़की का। उसके घर में ये फेलिसिटी और उसका हस्बैंड काम करते थे, इतनी शिद्दत के साथ में, इतने प्रेम के साथ में वो काम करते थे कि उनका चरित्र परपेचुआ के लिए एक गवाही बना। और उन्होंने इस फेलिसिटी ने, जो कि गुलाम महिला थी अफ्रीका से, उसने सुसमाचार परपेचुआ को सुनाया, एक रोमी लड़की को। उस रोमी लड़की का जीवन बदल गया। किनके द्वारा? गुलाम के द्वारा, जो उसके घर में काम करते थे। आप, हम जितने भी काम करते हैं, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार
प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए जहां पर हम काम करते हैं, किसी के जीवन का बदलने का कारण भी वो बन सकता है। परमेश्वर का जीवन बदला, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और बहुत पढ़ी लिखी थी, लैटिन और ग्रीक बहुत फ्लुएंटली वो बोलती थी, बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी लड़की थी। गुलामों ने अच्छे से जीवन उनके घर में जिया, अच्छे से ईमानदारी से काम किया, तो उसने उनके जीवनों को देखा, उनके प्रेम भाव को देखा, उनकी अधीनता को देखा, उनके समर्पण को देखा और उस चीज ने उसको परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। और सुसमाचार जब उसे सुनाया गया कि इनका जीवन क्यों ऐसे है, आप तो गुलाम हो लेकिन फिर आपके प्रति इतना अन्याय होता है, लेकिन आपके अंदर इतना प्रेम कहां से आया, आप अपने मालिकों के प्रति इतना प्रेम कैसे रख सकते हो, जो आपको गालियां देते हैं, जो आपको मारते हैं, कैसे वो उनसे आप इतना प्रेम कर सकते हो? क्यों? इसलिए क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का जीवन बदल गया। और वहां पर जो रोमी सम्राट था उसने ये आज्ञा दी, कार्थेज के अंदर जितने भी यहूदी क्रिश्चियंस रहते हैं उन सबको पकड़ के जेल में डालो और उनको मारो, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और उस समय पर परपेचुआ को भी पकड़ा गया और इन गुलाम फेलिसिटी उसके हस्बैंड को और उसके साथ में और भी गुलाम थे उनको भी पकड़ा गया और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। अब परपेचुआ जो रोमी थी उसके फादर जो थे बहुत अमीर आदमी थे, उसको आराम से छुड़ा सकते थे, लेकिन शर्त एक थी। जो रोमी सम्राट था उसने बोला उस व्यक्ति से, अगर तुम्हें अपनी बेटी को छुड़ाना है तो कल इनको मंदिर में बुलाया जाएगा, इन गुलामों को और आपकी बेटी को भी। अगर तुम्हारी बेटी एक चुटकी धूप जो यूनानी जो रोमी देवता है उनको चढ़ाती है तो तेरी बेटी बच जाएगी, छोड़ देंगे इसको, अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरे दिन सभा होती है, इन गुलामों को परपेचुआ को बुलाया जाता है। परपेचुआ का पिता जो है बार बार उस अपनी बेटी को ये बोलता है, बेटी अरे ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, तुम कहाँ चले गई, इतना अच्छा जीवन तो है तेरा, सब कुछ तो है तेरे पास, अच्छा भरा पूरा परिवार है, सब धन है, सब कुछ है, तुम कहाँ इन गुलामों की बातों में तुम आ गई। लेकिन एक गहरा प्रभाव था उसके जीवन में प्रभु के वचन का भी, उस वचन के अनुसार चलने वाले लोगों का जो चरित्र था उसका भी। दूसरे दिन जब सभा बुलाई गई तो उसने सभा के सामने वो धूप चढ़ाने से मना कर दिया, उसने बोला कि मैं मसीही हूं और ये जो फेलिसिटी जो गुलाम महिला थी उसने बोला ये मेरी बहन है, वो उस गुलाम महिला को अपनी बहन बोलती थी, अपनी बहन मानती थी, और उसने बोला कि नहीं चढ़ाऊ, उसको पता था कि इसके बाद उसकी मौत तय है। पता क्या हुआ, परपेचुआ को और फेलिसिटी और उसके परिवार को उसके साथ जो गुलाम थे इन सब को एक बड़ा सा ऑडिटोरियम था जिसमें चारों लोग बैठते थे, उसके बीच में उनको छोड़ दिया गया और वहां पर जंगली जानवरों को, भूखे जंगली जानवरों को वहां पर छोड़ दिया गया। और ये लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु इन जानवरों से हमें डर लगता है, भले इंसान के हाथ में मरवा दो कोई दिक्कत नहीं, जानवरों के बीच में इन्हें छोड़ दिया गया। जानवरों ने काफी इनको जख्मी कर दिया लेकिन उस समय मरे नहीं थे, लास्ट में तलवार से मारा गया, लेकिन ये अपने प्रभु के लिए अपने विश्वास में खड़े रहे और अपनी जान कुर्बान कर दी। बात ये है कि इसका जीवन कैसे बदला, किसके द्वारा बदला, गुलामों के जीवन के द्वारा परपेचुआ का जीवन बदला और अपने जीवन को उसने कुर्बान कर दिया। जब हम अच्छे से अपने काम को ईमानदारी से प्रभु के डर में होते हुए हम अपने काम को करते हैं, हमारा जीवन इस तरह से प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। ये सच्ची बात है जो मैंने बताई है और ऐसा हुआ भी है कई लोगों के जीवन में। अपने काम को अच्छे से कीजिए, अपने बॉस के अधीन रहे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे लेकिन आपके ऊपर से ठहराया गया, इज्जत कीजिए, उनकी बात मानिए, जो काम दिया है आपको उस काम को अच्छे से कीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें यीशु का चरित्र का अनुसरण करने के लिए हमें बुलाया है। हमें अपने कार्य क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जीना है। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करें कि ऐसा ही हमारा जीवन होने पाए, ऐसा ही
परिवर्तन हमारे जीवनों के अंदर आने पाए।